हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल कैट ब्रो पर। और आज हम डिस्कस करेंगे कैसे रैबिट सॉफ्टवेयर में 3D में सेक्शन कट करते हैं। तो हम क्लास स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम फ्लो प्लान लेवल 1 पर जाएंगे, ठीक है। फिर उसके बाद व्यू में जाकर स्कोप बॉक्स पर क्लिक करेंगे। फिर इसके बाद जो हमारा प्लान है वहाँ पर एक हम रीजन ड्रॉ कर देंगे। ये आप लेवल 1 लेवल 2 किसी भी लेवल पे जाके आप ये ड्रॉ कर सकते हैं। फिर इसके बाद हम 3D व्यू में जाएंगे। 3D व्यू में प्रॉपर्टी पे जाएंगे। प्रॉपर्टी में एक्सटेंट पर जाएंगे। प्रॉपर्टी में एक्सटेंट वाले ऑप्शन पे जाएंगे। यहाँ पर ये स्कोप वाला ऑप्शन ऑन, यहाँ पर अभी ये नल शो कर रहा है। यहाँ पर जाकर हम स्कोप बॉक्स 1 सेलेक्ट करेंगे और अप्लाई। यदि अप्लाई होगा तो ऑटोमेटिकली सेक्शन कट हो जाएगा। अब हम जैसे ये साइड का देख रहे हैं, सिर्फ हमारे हाफ देखे बिल्डिंग, तो हम क्या करेंगे, फिर से स्कोप बॉक्स को सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पर प्रॉपर्टी में जाएंगे और यहाँ 3D व्यू करेंगे। फिर इसके बाद फिर से प्रॉपर्टी में सेक्शन पर जाएंगे। सेक्शन में एक्सटेंड पर क्लिक करेंगे और जो अभी हमारा स्कोप बॉक्स बंद दिख रहा है, यहाँ हम जाके नन कर देंगे। नन करने के बाद अप्लाई करेंगे और इसके बाद हमारे ये वाले ऑप्शन जो आ रहे हैं अंदर वहाँ पर करने के लिए, जो ये कंट्रोलर कहलाते हैं, इनकी मदद से हम इनको आगे पीछे करके चेक कर सकते हैं कि हमारा ये सेक्शन कैसा अंदर से बाहर से देख रहा है। ये इस टाइप से हम इसको कट कर सकते हैं 3D में इस टाइप। तो आपको ये वीडियो समझ में आया होगा कि कैसे 3D में रैबिट सॉफ्टवेयर के माध्यम से हम सेक्शन को कट कर सकते हैं। तो ऐसी छोटी छोटी वीडियो और जानकारी के लिए बने रहे मेरे YouTube चैनल कैट, और इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।